हेलो माय डियर फ्रेंड्स, टुडे डिस्कस न्यू टॉपिक डिटरमिनेंट। हाउ टू हैंडल क्वेश्चन ऑफ डिटरमिनेंट इन 10 to 20 मिनट्स। आज डिटरमिनेंट के बारे में बात करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को आसानी से कैसे सॉल्व करें। आसानी से सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जो यहाँ बताया जा रहा है ना उसी को फॉलो करना है। देखिए, आसानी से सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए या ऐसे डायगोनली एलिमेंट्स क्या है, स्क्वायर के फॉर्म में है। एक कोई कैलकुलेशन नहीं करना, डायरेक्ट लिखना है आंसर, डायरेक्ट। देखिए, डायगोनली लिखा हुआ है, स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है। नहीं भी लिखा हुआ रहता है तो ऐसा हम बना लेते हैं, जनरली ऐसा लिखा आएगा, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है। ठीक, देखिए डायरेक्ट आंसर लिखने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ 4 × 5 = 20 लिखा हुआ है, 4 × 6 4 × 5 = 24। और फाइनली ये वाला टर्म बचा ना, ये वाला टर्म से इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 × 6 = 30। जो एलिमेंट यहाँ है वो भी यहाँ होगा, जो एलिमेंट यहाँ है वो एलिमेंट यहाँ भी होगा, जो एलिमेंट यहाँ है वो एलिमेंट यहाँ होगा। ऐसा जब रहता है डायगोनली, इस मल्टीप्लाई यहाँ 20 रहता है, यहाँ 24 रहता है, और फिर जो इससे मल्टीप्लाई क्लियर हो गया, अब ये फाइनली ये बचा, इससे इसका मल्टीप्लाई यहाँ रहता है, तो ऐसे दोनों सेम रहता है, जो इधर पार्ट रहता है जो यहाँ भी यही पार्ट रहता है, तो डायरेक्टली हम आंसर लिखते हैं, डायरेक्टली लिखते हैं क्या, 4 × 4² × 5² × 6² डायरेक्टली। तो डायरेक्टली लिखते हैं, डायरेक्टली लिखेंगे तो कितना होगा इसका डायरेक्टली आंसर, तो डायरेक्टली देखिए मल्टीप्लाई कर लेना है, कुछ नहीं करना है। डायरेक्टली जो आएगा ना ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली ऐसा मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। वीडियो को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिले। सबसे पहले डायरेक्टली आंसर इसका, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने पर इसका डायरेक्टली आंसर ये होगा, ये आंसर हो गया। डायरेक्टली कुछ नहीं करना, डायगोनल का स्क्वायर 4 × डायगोनल का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देना है, डायरेक्टली आंसर आ जाता है। मल्टीप्लाई करने में लग सकता है 15 से 20 सेकेंड, पर डायरेक्टली आंसर आ जाता है। ऐसा ही सोल्व करना है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, यहाँ कर देते हैं -7 का स्क्वायर कर देते हैं, -10 का स्क्वायर कर देते हैं, -12 का स्क्वायर कर देते हैं। तो 12 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ 70 होगा, यहाँ 84 होगा। तो यहाँ 70, तो यहाँ भी 70 होना चाहिए, यहाँ 120 होना चाहिए, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 84 होना चाहिए, यहाँ 120 होना चाहिए। ये डायगोनली डायरेक्ट ये वाला को मल्टीप्लाई कर लेना है 4 × ऐसा, इस तरह से डायरेक्ट इसका आंसर होता है 4 × 7² × 10² × 12² डायरेक्ट जो आंसर आता है वो लिख देना रहता है। डायरेक्टली कुछ नहीं करना रहता, ऐसा ही सॉल्व होता है।